आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। लालू के बड़े लाल पहुंचे मनेर, जमकर बरसे नीतीश सरकार पर। मनेर के शेरपुर रामपुर गांव पहुंचे तेज प्रताप यादव, जहां गांव के नवयुवकों द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे लालू के बड़े लाल। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने सरस्वती माँ की पूजा करते हुए माँ की प्रतिमा का पट खोला। साथ में देवमुनि सिंह और दिलीप यादव भी थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पलटूराम है। जिस तरह से अपने पार्टी के दो नेता को हटा दिया और तानाशाही रवैया दिखाया, उन्होंने सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि आज की सरकार सो चुकी है और जिस तरह से दिन पर दिन हत्या बलात्कार देखने को मिल रही है, उससे बिहार में नीतीश की राजनीति जंगल राज है। पलटू चाचा लगातार बिहार में अपराधी घटनाएं घट रहे हैं। वही उनसे पूछा गया कि राजद के पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर का ऑफर मिला है, तो उन्होंने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के करेंगे, इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जिस तरह से झारखंड में एनडीए का सफाया महागठबंधन ने किया है, उसी तरह से एनडीए का सफाया पूरे राज्य में करने का संकल्प महागठबंधन कर चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव में बताया कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पीसी पटना से मोहम्मद अफरीदी के साथ कैमरामैन लवकुश कुमार की एक खास रिपोर्ट। सुनने में आया कि आरजेडी ऑफर दे रहे हैं, आरजेडी ऑफर दे रहे हैं। अब आरजेडी ऑफर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे ना। हम लोग सरकार सो चुकी है, कहीं से हिल डुल नहीं हो रहा है, कोई आदमी को नहीं देख रहा है, कोई जनता बेहाल है, कोई देखने वाला नहीं है। पूरे तरीके से सरकार चौपट हो गया है। रोज अखबार में यही निकल रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या है इस बार रणनीति आरजेडी का? आगामी विधानसभा चुनाव में गरीब का सरकार आएगा, अपना सरकार बनेगा। जिस तरीके से झारखंड में बना भाजपा का सफाया हुआ, उसी तरीके से यहाँ बिहार में भी सफाया होगा। सर दिल्ली में जिस तरह से भाजपा और जेडीयू लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है? जेडीयू भाजपा सब खत्म हो जाएंगे। जिस तरीके से एनआरसी का जो विरोध हो रहा है, एससीए का विरोध हो रहा है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार सब जगह पूरे बिहार में विरोध हो रहा है, पूरे देश भर में इनका विरोध हो रहा है, इनका काला चित्र सब साफ हो जाएगा।